हाँ जी, तो कैसे हो आप सब। आज हम जाने वाले हैं अपने इंडिया की कुछ सबसे खूबसूरत जगहों में से एक लेह, और हम इस जर्नी को बाय फ्लाइट कवर करने वाले हैं। और कहा जाता है कि अगर आपको हिमालयस का बर्ड आई व्यू देखना है तो अपने जीते जी एक बार बाय फ्लाइट दिल्ली टू लेह का सफर जरूर करना चाहिए। हम आपको लेह से बालटाल तक का तो सफर दिखाने ही वाले हैं, जिसमें हम आपको जोजीला पास भी दिखाएंगे। साथ ही हम आपको दिखाएंगे वर्ल्ड का सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस। लेकिन अभी आप इंजॉय करिए दिल्ली से लेह का ये खूबसूरत सफर। तो जी, अभी हम हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर और हमारी जो ट्रेन है वो लेट है 1.5 आवर्स। देखते हैं, दिल्ली पहुंचने में भी टाइम लगेगा, लेकिन जो फ्लाइट है वो अर्ली मॉर्निंग है 5:40 की, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम लगभग 12 बजे तक भी दिल्ली पहुंच जाते हैं तो फिर भी हम पहुंच जाएंगे। बाकी जो हरिद्वार का वेदर है वो काफ़ी बढ़िया सा है, आप देख सकते हो। जो हरिद्वार में क्राउड है वो भी थोड़ा कम हो चुका है। अब हरिद्वार से 7 बजे निकलकर हम रात के 11:30 बजे पहुंचते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और अब हमें यहां से जाना था दिल्ली एयरपोर्ट। अब यहां हमारा वेट कर रहे थे विकास दादा, जो कि है फ्रॉम कोलकाता और इस पूरी ट्रिप के मैनेजर, क्योंकि हमारे साथ कुछ और 10 लोग भी जाने वाले हैं। तो जी, फाइनली हमारे विकास दादा मिल चुके हैं। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और बढ़िया, एकदम बढ़िया दादा। हेलो बोल दो। मैं मोबाइल से हेलो हाय। मैं अभी जस्ट मोबाइल चार्ज लगाने वाला था। अरे भाई भाई, अब आप लेट से आओगे। तो हरिद्वार के बाद अब हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। अब हमें यहां कराना था सिक्योरिटी चेक। सारे काम कराने के बाद अब बात आती है पेट पूजा की, यानी डिनर, जो कि हम में से किसी ने नहीं किया था। तो मैं एयरपोर्ट के बाहर से दिल्ली के फेमस आलू पराठा लेकर आया था। ये देख लीजिए, ये है आलू प्याज का पराठा, जो कि ये क्यों खोलने बता रहे थे? खोलो, है क्या? मक्खन निकालो आप। मक्खन? हाँ जी भाई, ऑलरेडी मैं मोटा हो रखा हूँ। भाई अमूल बटर। सब एक एक जाएगा बेटा। हाँ, ये चटनी अच्छी लगती है। चटनी है, प्लेटें वगैरह होंगी उसमें। हाँ, कच्चे प्याज सब कुछ है, सबके लिए सेपरेट सेपरेट है। टेंशन वाली बात। कितने? 5 लोगों का है ये। मैं 5 पराठे लाया हूँ पराठे के साथ। कितना सब कुछ है, कितना सब कुछ, मतलब कितनी सारी तो चटनी है। और भी पराठे हैं नीचे, टोटल एक एक पराठे पराठे डालते हैं। एक आप खाओ, एक हम खाते हैं, एक सचिन भाई खाते हैं। फिलहाल 3 तो हो गए। हाँ, पहले सिंगल सिंगल तो पहले खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं। पेट बिल्कुल खाली है, खा पी के फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? टाटा बाय बाय। खा पी के फिर मिलते हैं। 20 मिनट्स लेटर। सो नाउ डिनर हो चुका है हमारा बिल्कुल कंप्लीट, पेट पूजा डन, पेट हो चुका है बिल्कुल फुल। ये लाए हैं हमारे विकास दादा की, देखिए, काजू कतली, काजू बर्फी, बहुत बढ़िया। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, मीठा हो जाए। लीजिए, खोलिए काजू कतली, टेस्ट ऑफ इंडिया। वाह, आनंद। अब क्योंकि हमारी फ्लाइट मॉर्निंग में 5:40 की थी, बट मैं करीब 2 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। अब सभी ने अपनी सीट पकड़कर बस सुबह होने का इंतजार किया। सो नाउ गुड मॉर्निंग दोस्तों,
और आज है 4th जुलाई और अभी 5 o'clock हो चुके हैं मॉर्निंग पे और अभी बोर्डिंग करना है हमको। सो बस चल रहे हैं यहाँ से। बाकी ये है अपना पूरा ग्रुप, आप देख सकते हो, फ्रॉम कलकत्ता। नाउ रेडी टू फ्लाइट। अब हमें बस लेने आएगी यहाँ पे, आप देख सकते हो ये आ चुकी है हमारी बस। आ जाइए। हमारा बैड लक, बाहर बारिश हो रही थी। अब जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमको फ्लाइट से एक शानदार व्यू मिलेगा पूरे ही लेह का, बट खराब वेदर की वजह से वो ठीक नजर होता नहीं आ रहा था। यहाँ पे बारिश हो रही है दोस्तों, और क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है तो इसीलिए आप देख सकते हो। और बारिश की वजह से हमारी फ्लाइट 20 मिनट्स लेट हो गई। बट बाय लक डेली क्रॉस करते ही वेदर ओपन हो गया और हमको कुछ ऐसा व्यू देखने के लिए मिला। फाइनली दोस्तों, वी हैव रीच्ड लेह और काफ़ी ब्यूटीफुल सा वेदर है यहाँ पे। ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है, अच्छा लग रहा है। और जैसे ही आप लोग लेह के एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो जो फोटोग्राफी है एंड वीडियोग्राफी है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिकॉज ये फुल्ली आर्मी एरिया है। बट मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, व्यूज़ आपने देख ही होंगे। और कुछ ऐसे नज़ारे हैं, देखो चारों तरफ आपको आर्मी ही जाती हुई नज़र आएगी। ये देखिए, वहाँ देखिए बंजर इलाके, बिल्कुल ऐसा लगता है पता नहीं क्या इलाका है, दूर दूर तक रेत ही रेत। लगता है हम इंडिया में नहीं है, किसी और कंट्री में है। इस्तांबुल। कहाँ पर है हम? इस्तांबुल। इस्तांबुल एग्जैक्टली, सीरिया। ऐसा ही लगता है यहाँ पर पहुँचने पर भाई। और पानी पीते रहिएगा जब यहाँ पर आ जाएं, वरना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लेने का के देने हो जाएंगे आपको सामना करना पड़ सकता है, लेने के देने हो जाएंगे आपके। बाकी अभी देखते हैं, एक व्हीकल वाला हमने यहाँ पे बुक किया हुआ है, वो टेम्पो ट्रैवलर आएगा, हमको होटल पे ड्रॉप करेगा, फिर निकल जाएंगे यहाँ से लेह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, फिर लेह से डायरेक्टली बालटाल, तो वो भी काफ़ी बढ़िया होगा, बट वो सेपरेट ब्लॉग होगा। अभी दोस्तों 7:45 हो रहे हैं, वैसे लग नहीं रहा है इंडिया में हमें ना, बिल्कुल कुछ अलग ही यहाँ पे इस्तांबुल आ गए। हाँ, कुछ अलग ही माहौल है, सच में। कोई रश नहीं है, कोई क्राउड नहीं है, बिल्कुल मस्त बढ़िया। और यहाँ पर आपके जो नेटवर्क है वो चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको
सिम लेना पड़ेगा डायरेक्टली यहीं का, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो चिल्लाते रहते हैं सिम सिम सिम, उनके थ्रू आप ले सकते हो। अब जब तक हम अपने ड्राइवर का वेट कर रहे हैं तब तक आप इस व्लॉग को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, बट आने वाले व्लॉग इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं क्योंकि वहां बात होगी कश्मीर की। तो बस बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपको जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।